हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे अंशु गिफ्ट निकाल रहा था, ऑनलाइन गिफ्ट मंगवाया था मैंने, तो आने में लेट हो गया। ये फादर्स डे का गिफ्ट था और ये देखिए, मेरे हस्बैंड ने आंखें बंद कर ली थी, उसके बाद अंशु ने दिया। और मेरे हस्बैंड ना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, फादर्स डे में ही उनका वो बर्थडे हो ही जाता है। तो अभी देखिए गिफ्ट खोल रहे हैं। कैसा लगा गिफ्ट तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। ये तो मारे को छोरा गिफ्ट अच्छा लगा। और ये दो पीस की मारो छोरो बहुत घणो हगरो है। हां पर ये दो पीस की लगी है। और अंशु ने ये स्टीमर गिफ्ट किया था और मेरे हस्बैंड बहुत कॉमेडी करते हैं वीडियो में, तो ये स्टीमर मेरे हस्बैंड के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ना वो बाहर जाते हैं और आजकल ऐसा सिचुएशन है ना, जो भी बाहर से आते हैं ना, तो स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अंशु ने ये चूज़ किया था। तो कैसा लगा अंशु का गिफ्ट बताइएगा। और ये देखिए, ये रात का शूट किया था और हम लोग बाहर गए थे ना, तो वहाँ से मैं कुछ लेके आई थी। ये पैंडल है गले में का, और ये कौन है, क्लचर है, क्लचर लाई थी मैं, मेरा क्लचर टूट गया था ना। और मुझे मेहंदी लगाने का बहुत अच्छा लगता है, पहले बहुत मेहंदी लगाती थी मैं, अभी थोड़ा कम हो गया है। और ये देखिए रस्क है, और ये मीठे वाले ब्रेड है, ये मुझे पसंद नहीं ज़्यादा। और ये कुछ कुछ नमकीन है बिकाजी वाला, तो ये हमारे घर में सभी को पसंद है, तो मेरे हस्बैंड दो लेके आए इस बार शॉप से। तो ये बड़ा पैकेट है ना, बहुत दिनों तक चलता है, इसलिए बड़ा ही लेके आए। और आज मैंने बूंदी बनाई थी दोपहर को, तो रेसिपी नहीं शूट कर पाई क्योंकि लाइट नहीं थी ना इसलिए। और ये देखिए बहुत करारी करारी बनी है, और है ना मट्ठे में डालते हैं या कोई नमकीन में डालते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बना के रखती हूँ फीकी वाली बूंदी। और ये नमकीन का पैकेट और ये बिस्किट ऊपर ही पड़ा था, तो इन सबको भी अच्छे से रख दूँगी मैं डब्बे में भर के। और ये जो कैरी के अंदर बीज निकलते हैं ना, गुठली, तो वो गुठली को नमक के पानी में उबाल के फिर सुखा के इस तरह से सुपारी बनती है, यहाँ पे बहुत बनाई जाती है, हम लोग बचपन में बहुत खाते थे इसे। और ये देखिए ब्यूटी ब्लेंडर और ये सब, इसी में मैं फेस पैक बनाती हूँ, अलग से रखती हूँ। तो ये सूखने के लिए रख दिया था मैंने। और ये मेरी सबसे फेवरेट ये वाली फ़ोटो है, मेरे हस्बैंड को भी ये फ़ोटो अच्छी लगती है, शादी की फ़ोटो है हमारी। और ये देखिए मैंने तीन प्रकार के अचार बनाए हैं, ये नींबू का है मीठा अचार, और ये कैरी का छुंदा है, इसकी रेसिपी मैंने डाली है आपके साथ में शेयर की है। और ये कैरी का अचार है, इस बार बहुत अच्छा बना, तो इसको है ना रोज़ाना दो तीन टाइम मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि ना फिर ऐसे मिलाओ नहीं ना तो फिर ख़राब हो जाता है जल्दी अचार, इसलिए ना इसको चम्मच से दिन में दो तीन बार तो मिक्स करना पड़ता है। तो इसी को भी मैं मिक्स कर रही हूँ। और ये वाली बर्नी मैंने ली है इस बार, कैसी लगी गाइस बताइएगा। और 4 किलो का अचार डाला था मैंने, क्योंकि पूरे साल ना फिर टेंशन नहीं होता है, और अचार के साथ खाना भी मतलब खाया जाता है। तो इसको रुमाल बांधते हैं, तो मैं बाद में बांध दूंगी, और थोड़े दिनों तक इसको ढक्कन नहीं लगाते, तो फिलहाल मैं रख देती हूँ। और ये मॉर्निंग का वीडियो है गाइस, तो अभी मैं पोछा लगा रही थी और अंशु देखिए कैसा सोया था। ये है ना नहाने के बाद में इसकी यही आदत है, कहीं भी सोता रहता है। और अंशु 4 बजे पढ़ाई करता है और सुबह 10-11 बजे, तो 2 टाइम है इसके पढ़ाई करने के। तो क्योंकि ना 11 बजे तक मेरा काम ही फिनिश नहीं होता है इसलिए। और
अभी मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। और ये पोछा है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मेरे पास में बाल्टी वाला था तो वो छोटा होता है तो उसको बार बार निचोड़ना पड़ता है। इसको मैं 2-3 बार ही निचोड़ती हूँ तो अच्छे से पोछा लग जाता है। तो इसलिए इसको ना मैंने 2 बार पानी में साफ़ किया था, पर वो मैंने आपके साथ में नहीं शेयर किया क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है ना, इसलिए डायरेक्टली पोछा ही बता दिया मैंने आपको। और पानी वाले भैया आने वाले हैं आज, इसलिए कैंपर नीचे रख दिया है। और बस मेरा सारा काम हो चुका है मॉर्निंग का, और बस अभी कपड़े धोने बाकी हैं। तो भाभी जी आएंगे अभी कपड़े धोने को, तो वो धो के चले जाते हैं, 12 बजे तक आ जाते हैं वो भी। और अभी ज़रूरत नहीं थी मुझे, पर आगे हमारा और ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए मुश्किल से बाई मिलती है, इसलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि लगा लेते हैं, फिर काम के समय मिलती नहीं है इसलिए। और ये स्टीमर में अभी ढक के फ्रिज के ऊपर ही रख रही हूँ क्योंकि रखने को जगह नहीं है, खिड़कियाँ छोटी पड़ती इसलिए, तो बॉक्स के ऊपर ही रख देती हूँ। और मैंने नहाने के बाद थोड़ा बहुत तैयार हुई थी, पाउडर नहीं लगाया है क्योंकि पसीना बहुत आता है ना। और ये देखिए लिप बाम लगाया था मैंने और काजल नहीं लगाया, बिना काजल की आंखें कैसी लगती ना, इसलिए मैंने सोचा कि ना काजल लगा लूँ। तो ये देखिए अभी काजल लगाने के बाद में कितना फ़र्क आ जाता है फेस पे। तो ऐसे लिपस्टिक और काजल ज़रूरी हो जाता है डेली यूज़ में। लिपस्टिक ना भी लगाओ ना तो भी लिप ग्लॉस आपके पास होना ही चाहिए कलर वाला, और काजल तो बहुत अच्छा लगता है। और बस मैंने फेस क्रीम लगाई थी और फेस वॉश किया था। और ये देखिए मेरे हस्बैंड नाश्ता लेके आए, क्योंकि ना फिर लेट हो जाता है खाना बनाने में, इसलिए मैं पहले खाना बना लेती हूँ। घोंसले में आ गया हूँ ये चूगा लेके चिमनी चिमना के लिए। और अभी नाश्ता करेंगे हम लोग साथ में। और यहाँ पे देखिए अंशु ने ना कार्डबोर्ड से कार बनाई थी, उसने टार्जन मूवी देखी थी ना तो सेम वैसी कार बनाई, और 2-3 टाइप की बनाई थी, ये अलग है। तो अभी मैं यहाँ पे नाश्ता निकाल रही थी प्लेट में, क्योंकि ना हम एक साथ में ही खाते हैं, मेरे ससुराल में भी है ना कोई भी लेडीज़ हो ऐसे एक साथ मिलके ही नाश्ता करते थे हम लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। तो अभी ना अलग अलग प्लेट भरने से अच्छा अभी हम एक ही प्लेट में लेके खाएंगे। तो यहाँ मैंने नमकीन लिया है, 2 कचौरी और खमन लाए थे मेरे हस्बैंड, चटनी नहीं लाए थे क्योंकि चटनी पसंद नहीं हमको, और घर पे ही सॉस होता है ना तो उसी के साथ में हम लोग खा लेते। और यहाँ मैं अंशु को खिला रही थी, और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं हाथ मुँह धो के, तो हम लोग मिलके खाएंगे अभी। और क्योंकि है ना लेट हो जाता है, नाश्ता बनाओ फिर खाना बनाओ फिर 2 बज जाते हैं, इसलिए मैं अभी ना डायरेक्ट खाना बना लेती हूँ, नाश्ता नहीं बनाती घर पे। तो मेरे बीजेपी की मेरी मम्मी है, और एक गजर वाला वीडियो भी बनाया है मैंने। और है ना मुझे आपसे एक बात करनी थी, आपको मेरी डेली व्लॉग्स देखना पसंद आते हैं या मैं कुछ और साड़ी कलेक्शन या ब्यूटी प्रोडक्ट के वीडियो बनाऊँ, अनबॉक्सिंग हो गया या ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो गया, आप लोग वो देखना पसंद करोगे या मेरी डेली व्लॉग देखना पसंद करोगे, वो भी मुझे आप बताइएगा कमेंट करके। और एक बात बोलनी थी गाइज, मैंने ना घर को सही से ऑर्गेनाइज़ किया है या नहीं मुझे बताइएगा कमेंट करके। हॉल का तो मैं कैसे भी एडजस्ट कर लेती हूँ, हॉल तो कैसे भी मतलब अच्छे से रहता है साफ सुथरा, पर किचन में ना इतना बिखेरा हो जाता है, 2-3 दिन होते नहीं मुझे बिखेरा सा लगने लगता है। तो मुझे कुछ सजेशन दे दीजिएगा आप लोग। फिर भी ना मैंने आधा सामान ऊपर रख दिया है तो भी नीचे बिखेरा हो ही जाता है, आप लोग बताइएगा कि मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँ, मेरा किचन प्लेटफॉर्म है वो भी उसमें भी क्या बदलाव करूँ वो मुझे बताइएगा आप लोग प्लीज़, क्योंकि ना मैं अच्छे से भी रखती हूँ ना फिर भी 2-3 दिन होते नहीं इतना बिखेरा हो जाता है घर में, समझ नहीं आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग मुझे बताइएगा कॉमेंट्स करके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।